हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर सेकंड का पेज नंबर 21। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द करेक्ट न्यूमेरल। ओके, हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये आपको सब ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है इनको, और फिर क्या करना है, सर्कल करना है जो करेक्ट न्यूमेरल है। तो फर्स्ट में देखिए, ये फर्स्ट में आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ हमने 6 पे क्या किया स्टूडेंट्स, सर्कल, क्योंकि हमें सर्कल करने को कहा गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे अब हमें काउंट करना है 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पर कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पर, 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें ये जो सी डी ई एफ, इसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको काउंट करना है, और यहाँ पे आपको जितना पूछा गया है उतने पे सर्कल करना है। जितना आपका काउंट होकर आएगा जो न्यूमेरल है उस पे आपको इनमें से सर्कल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज इंस्ट्रक्टेड। ओके, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो अब हमें इनको क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं। ओके, यहाँ दिया है 3 क्लाउड्स, तो यहाँ पे हमें 3 क्लाउड्स का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ओके, इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इन सब के हमें ग्रुप बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड में 4 का ग्रुप बनाना है, इसी तरह से ये सभी ऑब्जेक्ट्स के हम ग्रुप बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लाउड्स का हमने ग्रुप बनाया क्योंकि हमसे पूछा गया था 3 क्लाउड्स, तो ये 3 क्लाउड्स। ओके, इसी तरह सेकंड हमने ग्रुप बनाया, अब इसी तरह से आपको आगे सी डी ई एफ और जी पे आपको इसी तरह से ग्रुप बनाने हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है काउंट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द करेक्ट नंबर। ओके, हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये हमें दिया गया है, अब हमें इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, काउंट करना है, यानी गिनना है, और फिर राइट करना है, लिखना है कितने हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट ए नंबर पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 8 हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने बी नंबर पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका 6। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको ये सभी ऑब्जेक्ट्स काउंट करना है एंड यहाँ पे इन बॉक्स में राइट करना है, ये जो बॉक्स दिए गए हैं सामने उन पर राइट करना है। ओके, लिखना है काउंट करके। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ दिया गया है काउंट एंड मैच द फॉलोइंग। हमें पहले जो ऑब्जेक्ट्स ये दिए गए हैं इनको काउंट करना है और इस यहाँ पे दिए गए हैं इनसे मैच करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में कुछ बलून्स दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ कितने हैं, हमें काउंट करना है 1 2 3, तो यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स 3 कहाँ पे है, तो ये हमें 3 मिल गया। ओके, हम इससे मैच कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे सेकंड में देखिए 1 है टेबल, तो हम यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 1 हमने देखा, ये 1 मिल गया। ओके, तो 1 से मैच कर देंगे। इसी तरह से ये सभी आपको मैच करना है। ओके, सी डी ई एफ जी, ये पूरे आपको काउंट करने हैं यहाँ के, और यहाँ पे आपको मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट एज इंस्ट्रक्टेड। ओके, यहाँ पे हमें काउंट करने हैं, ठीक है, और कलर करना है। तो यहाँ दिया है कलर 7 मैंगोज, हमें कितने मैंगोज पर कलर करना है स्टूडेंट्स, 7 पे। यहाँ देखिए कुछ मैंगोज दिए गए हैं, ठीक है, तो हमें कितनों को काउंट करना है, कितनों पे कलर करना है काउंट करके, 7 पे। तो हम यहाँ पे 7 मैंगोज को काउंट करेंगे और फिर उन पर कलर कर देंगे। इसी तरह से 3 बर्ड्स पे हैं, कलर करना है। इसी तरह से
वन एलिफेंट पे कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स बलून्स पे कलर करना है, काउंट करते जाना है और कलर करते जाना है। इसी तरह से फाइव बोट्स पे कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।